आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं रंजन कुमार पंडा, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे इनकम टैक्स में हम लोग का बैंक अकाउंट ऐड करेंगे या फिर प्री वैलिडेट करेंगे, और EBC कैसे जनरेट करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तीनों टॉपिक का ऊपर सीखेंगे, ऐड कैसे करना है, उसको प्री वैलिडेट कैसे करना है, उसके बाद उसमें EBC कैसे जनरेट करेंगे जिससे हम लोग ITR रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। टॉपिक को जाने से पहले, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। चलते हैं टॉपिक का ऊपर। आपको क्या करना है, जिसका ऐड करना है या प्रिविलेटेड करना है या फिर EBC जनरेट करना है, उसका मैं आपको यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे नेम जो शो कर रहा होगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको माई प्रोफाइल में जाना है। माई प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा माई बैंक अकाउंट्स, उसमें आपको क्लिक करना है। ऑलरेडी आपका बैंक अकाउंट पहले ऐड है तो यहाँ पे ऐसे दिखाएगा, पहले बैंक अकाउंट ऐड है तो आपको ऐसे दिखाएगा, नहीं दी है पहली बार आप ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ऐड ऑप्शन में आपको ऐड में क्लिक करना है। ऐड में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, बैंक जिस बैंक अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं या फिर प्रीविलेट करना चाहते हैं तो उसमें क्या करेंगे ना, उसी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। बैंक अकाउंट नंबर कहाँ से मिल जाएगा आपको, चेकबुक से मिल जाएगा या फिर पासबुक होगा तो आपको पासबुक में मिल जाएगा। जो बैंक अकाउंट यहाँ पे डालें सेम बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको चूज करना है, चूज करके अकाउंट जो है कौन सा अकाउंट टाइप यहाँ पे देना है, कौन सा अकाउंट है आपका सेविंग बैंक है, जो आप अकाउंट नंबर डालें वो सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट है या फिर ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ये सारा आपको कैटेगरी दिया, आप वो ऑप्शन को आपको चूज करना है। उसके साथ आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर टाइप्स यहाँ पे दिया है कि जो अकाउंट आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए हैं ऊपर में वो कौन सा टाइप है, प्राइमरी है या फिर जॉइंट है, यानी आप खुद सिंगल में हैंडल यूज करते हैं या फिर जॉइंट होल्डर है। तो जॉइंट होल्डर है तो आपको जॉइंट में ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यानी स्पाउस मान लीजिए आपका हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जॉइंट अकाउंट खोले हैं तो आपको जॉइंट ऑप्शन में यहाँ पे चूज करेंगे, अदरवाइज आपको प्राइम अकाउंट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको IFC कोड देना पड़ेगा, ये आपको चेकबुक से मिल जाएगा उसी अकाउंट का, या फिर आपको स्टेटमेंट है या फिर आपका पासबुक है उससे आपको मिल जाएगा IFC कोड। जैसे ही IFC कोड डालेंगे ऑटोमेटिक वो बैंक नेम और ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नीचे तरफ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो करेगा, जो आपका इनकम टैक्स में रजिस्टर है वो शो करेगा। ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका इनकम टैक्स में जो ईमेल आईडी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है इनकम टैक्स में रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर होना चाहिए। तब क्या होगा कि बैंक अकाउंट में आपको EBC जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज क्या आपका तो बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। मान लीजिए डिफरेंट नंबर है तो बैंक अकाउंट तो ऐड हो जाएगा लेकिन आप EBC जनरेट नहीं कर सकते, इनकम टैक्स रिफंड जो है वो आ जाएगा आपका अकाउंट में, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा, लेकिन EBC जो जनरेट करेंगे उसमें नहीं कर सकते, डिफरेंट नंबर रहेगा। तो आपको डिफरेंट नंबर है तो आप बैंक अकाउंट का नंबर तो तुरंत चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके हाथ में चेंज करने के लिए ऑप्शन है कि इनकम टैक्स में जो रजिस्टर नंबर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे माई प्रोफाइल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली जाना है नीचे की तरफ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एडिट का ऑप्शन में डाल एडिट ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद आपको यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है प्राइमरी में वो मोबाइल नंबर आपका जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर दिए हैं वही नंबर यहाँ पे आपको पुट कर लेना पड़ेगा। करके फिर वो आपके मोबाइल में और ईमेल आईडी में OTP जाएगा, वो OTP पुट करके सबमिट कर देंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट का जो दिए हैं बैंक अकाउंट का डिटेल्स उसमें तो मोबाइल नंबर आपका है वही सेम यहाँ पे डाल रहे हैं तो आपको प्रिविलेज हो जाएगा और उसमें भी आप EBC जनरेट कर सकते हैं। EBC जनरेट करना क्या जरूरत पड़ता है कि आप ITR जब लगाते हैं, मान लीजिए आपका आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप E-Verify नहीं कर पा रहे, पेपर वगैरह में साइन करके आपको भेजना पड़ता है, तो आप EBC थ्रू आपको बैंक अकाउंट है तो आप EBC थ्रू आप क्या करेंगे उसको E-Verify कर लेंगे तो आपको पेपर और साइन नहीं करना, साइन करके आपको CPC बेंगलोर में भेजना नहीं पड़ेगा। तो आपको EBC जनरेट करने के लिए तो ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं EBC कैसे जनरेट करूंगा। तो EBC जनरेट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले आपको माई प्रोफाइल में जाके आपका बैंक अकाउंट को आपको देख लेना है कि बैंक अकाउंट मेरा सही है कि नहीं, यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जिस ये सारा जो बैंक अकाउंट दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है कि इसमें तो रिफंड आ जाएगा लेकिन क्या दिक्कत आ रहा है कि इसमें जो वैलिडेट इन प्रोग्रेस में लिख रहा है कि ये एरर आ रहा है, इसी वजह से क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर दिया गया है और मेरा इनकम टैक्स में जो मोबाइल नंबर दिया है
वो डिफरेंट है, जिस वजह से ये ऐसा एरर आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका रिफंड इस बैंक में आ जाएगा, लेकिन ईबीसी जनरेट आप नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में आप देख सकते हैं मेरा स्टेट बैंक में, देखिए ईबीसी भी यहाँ पे एनेबल है, वैलिडेट भी हुआ है, उसके साथ ईबीसी भी मेरा एनेबल है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर दिया हूँ मेरा यहाँ पे जो रजिस्टर इनकम टैक्स में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है दोनों सेम है, जिस वजह से मेरा ईबीसी यहाँ पे जनरेट हो गया है। आप ट्राई करेंगे ईबीसी जनरेट करने के लिए, ट्राई करेंगे तुरंत आपका एक्टिव हो जाता है ईबीसी। जो सेंट्रलाइज बैंक है वो आपको उसी को आपको ईबीसी जनरेट करने में इजी प्रोसेस होता है, अदरवाइज आप प्राइवेट वाला में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है वो लोग ईबीसी आपको ये करने के लिए, परमिशन देने के लिए। ठीक है, तो ईबीसी कहाँ से कैसे जनरेट करेंगे, यहाँ पे आपको सर्विस में जाना है, सर्विस में जाके जनरेट ईबीसी में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पूछेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे दो है, क्योंकि मैं एक पार्टनरशिप फार्म में मेरा मैं पार्टनर हूँ, जिस वजह से वो मेरा पैन दूसरा पैन दिखा रहा है जो मेरा इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही दिखाएगा, तो ये वाला आपको ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन मेरा केस में मैं पार्टनर भी हूँ, तो इसलिए मेरा वो वाला पार्टनर में मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, साइनिंग का ऑथराइज पर्सन हूँ, इसलिए दिखा रहा था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे ही दिखाएगा जनरेट ईबीसी, किसका थ्रू आप ईबीसी जनरेट करना चाहते हैं, थ्रू नेट बैंकिंग या फिर बैंक अकाउंट या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो है डिमांड अकाउंट से आप कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं थ्रू बैंक अकाउंट से करना चाहता हूँ, थ्रू बैंक अकाउंट से जैसे करता हूँ, देखिए मेरा ऑलरेडी ईबीसी एनेबल है, इसी वजह से मेरे को दिखा दे रहा है और ये जो है अकाउंट नंबर यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। तो आपका ईबीसी होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये जो ईबीसी आप जनरेट करेंगे, ईबीसी आपका रजिस्टर मोबाइल में या फिर रजिस्टर ईमेल आईडी में आपको जाएगा ओटीपी, वो ओटीपी 72 आवर्स तक वैलिड रहेगा। तो आप ईबीसी उसको आप 72 आवर के अंदर में आपका ओटीपी पुट करके ई वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे कंटिन्यू प्रेस करूँगा, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस करता हूँ, तो कंटिन्यू प्रेस करने के बाद देखिए दिख रहा है कि ईबीसी सक्सेसफुली जनरेट हो गया, मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में वो ईबीसी चला गया। तो वही ईबीसी का थ्रू मैं मेरा आईटीआर फाइलिंग कर सकता हूँ, 72 आवर वैलिड रहेगा। अभी मैं कर रहा हूँ तो अभी से लेकर 72 आवर तक वैलिड रहेगा वो ईबीसी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो तुरंत मेरे को कमेंट करिए, मैं तुरंत ट्राई करूँगा रिप्लाई देने के लिए। आज का इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।